ये वाह, ये दोस्तों मंथन जी आज करने वाले हैं फूड अनबॉक्सिंग। भाई प्रयागराज में एक रेस्टोरेंट है मक्खन से वेज रेस्टोरेंट, ये उसका पता वगैरह है, तो यहाँ से आज खाना ऑर्डर करके मंगाया है। मंथन जी बताएंगे कि भाई इस पैकेज में क्या है और इसे इसका नाम क्या है, और खाने की पूरी वैरायटी के बारे में बताएंगे, उसका टेस्ट वगैरह सब करके बताएंगे। तो मंथन जी अब जो है जल्दी से फूड अनबॉक्सिंग कीजिए। झोला वगैरह तो बढ़िया दिख रहा है इनका। ये वाह, डिब्बे की पैकिंग तो बहुत ही शानदार दिख रही है ना। और भी कुछ है क्या? बिल वगैरह है? चलो बिल बिल वगैरह बताएंगे अभी कितने का है भाई। ये रहा, बढ़िया खोलिए आप। ये पलटो ऐसे इधर। ये रहा बढ़िया। हाँ निकालो निकालो सब, तो निकाल के अलग करो और फिर खोल के मतलब खोल के सब दिखाओ क्या क्या कैसे क्या है। हाँ थाली बाहर निकालो डिब्बे से। ये खुल गया। ये अभी खोलो, इसमें क्या है? अच्छा इसमें पापड़ है। ये बढ़िया से पापड़ भी पैक किया हुआ है। अच्छा ऐसे ही रख लो सब, बस ठीक है। यहाँ से रखो ना, रखते जाओ। ये रहा सलाद, जैसे पैकिंग आई वैसे ही खोल के दिखा दे रहे दोस्तों कि हाँ इस तरीके से दिया जाता है। भाई पैकिंग जब अच्छी रहती है तो देखकर अच्छा लगता है। ये इसमें क्या क्या है जरा दिखा पहले। लच्छा पराठा, लच्छा पराठा बटर नान। और बटर नान क्या है आइटम इसमें? ये है दाल मखनी, दाल मखनी। बहुत बढ़िया लग रहा है देख करके। और इसे सब हो जाएगा। ये है बूंदी वाला रायता, बूंदी वाला रायता, ये गुलाब जामुन, गुलाब इसको जामुन प्रयागराज में रसगुल्ला बोलते हैं, हाँ, और ये पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, ये मिक्स वेज, ये मिक्स वेज, मिक्स वेज वो है, मिक्स वेज है, मिक्स वेज दिया है। हाँ, ये मलाई कोफ्ता। अच्छा ये मलाई कोफ्ता। हाँ, और ये अचार, अचार है ये। अचार खोलो, अचार खोलो, निकालो। मिक्स वेज एक्सल। अच्छा हटा दो उसको, कागज रखो ये ना, अब दिखाई पड़ा बढ़िया। ये शुरू करो, पहले लच्छा पराठा, पनीर बटर मसाला से, और ये दाल मखनी थोड़ा सा मिलाया इसमें। ठीक, कलर वगैरह तो बहुत शानदार दिख रहा है, टेस्ट बहुत शानदार है, टेस्ट बढ़िया है। वाह, पापड़, मूंग का पापड़ है ना ये? मिक्स वेज, मिक्स वेज आलू आलू पड़ा है। सही है, रहता कैसा है? नंबर रहता है, नंबर एक। मलाई कोफ्ता रहेगा, मलाई कोफ्ता सॉफ्ट है। अरे मलाई कोफ्ता सॉफ्ट बढ़िया, तभी मजा आएगा। गजब, मतलब यहाँ से खाना मंगा के खाया जा सकता है। दोस्तों मंथन जी तो कह रहे हैं कि यहाँ से खाना मंगा के खाया जा सकता है। अभी इसका प्राइस वगैरह हम सब आपको बताएंगे कि कितने की ये नवरत्न थाली पड़ी है। थोड़ा अचार भी ट्राई करो ना, पता चले कि अचार कैसा है। बढ़िया है,
अब बटर नान ट्राई करो, देखो कैसा है ना बटर नान। अच्छा अभी हाँ मलाई कोफ्ता बहुत शानदार, पैसा वसूल थाली है, नवरत्न थाली। दाल मखनी की शक्ल बहुत अच्छी दिख रही है, अच्छी है टेस्ट में भी। अब बटर नान की बारी ये। अब जो है मंथन जी ट्राई करेंगे बटर नान ये। ओह ओह बटर नान मजा आता ही खाने में है। हाँ पैकिंग भी शानदार है, बढ़िया से डब्बे वगैरह पैक करके दिया है कायदे से भाई, पैकिंग बहुत मायने रखती है।
हम मंथन जी ट्राई करेंगे चावल, प्लेन राइस है ना ये। बहुत अच्छा टेस्ट। अच्छा टेस्ट है, बढ़िया। चलिए दोस्तों, मंथन जी जब से खा रहे हैं मैं इसका रेट बता देता हूँ। दोस्तों ये थाली जो है भाई, हम लोगों ने भाई ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है, तो उसमें ये नवरत्न थाली जो है मक्खन रेस्टोरेंट से, इस थाली की कीमत है 485 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत है 485 रुपये। तो हम लोगों ने भाई कुछ कूपन वगैरह देती हैं कंपनियाँ, तो कूपन वगैरह लगाने के बाद ये हमें पड़ा हुआ है 433 रुपये, 433। ठीक है, तो ये नवरत्न थाली और इसकी पैकेजिंग वगैरह आपने देखी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमें लग रही थी और खाने की खुशबू रियल में यही बढ़िया आ रही है। और मंथन जी कह रहे हैं कि भाई इसका स्वाद जो है नंबर एक है, है ना मंथन? बढ़िया है। तो मंथन जी भाई खाते हुए ज़रूर कहेंगे जो हम लोग की आदत है। तो मंथन जी मेरे साथ बोलेंगे स्वादिष्ट है भाई, स्वादिष्ट है भाई।